स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर बायोलॉजी। शिवशंकर बायोलॉजी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं, आज आपका 11 तारीख है और कल 12 सितंबर, कल आप लोगों का एग्जाम होने वाला है नीट का। इसमें हम बात करेंगे क्या क्या आपको नीट सेंटर पर लेके जानी है और क्या नहीं लेके जानी है, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप अभी घर से नहीं निकले हैं तो ये सारी चीज अपने बैग में जरूर रख लीजिएगा। क्या क्या वो सारी चीज है, वीडियो पूरा देखिएगा, एक एक चीज बताएंगे। तो पहला नंबर पे आता है आपको एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको ले लेना है। पहले नंबर पे आता है एडमिट कार्ड। एक बात ध्यान रखिएगा कि एडमिट कार्ड जो प्रिंट टोटल 5 पेज में है, प्रिंट जो है एडमिट कार्ड का टोटल 5 पेज में है। और इसको क्या करना है कि पहला पेज एडमिट कार्ड होगा, दूसरा पेज में कुछ नहीं दिया है, तीसरा पेज में एक फॉर्म दिया है जिसपे आपको पोस्ट कार्ड साइज का 4x6 का फोटो लगाना है। पोस्ट कार्ड साइज का 4x6 का फोटो लगाना, एक फोटो लगा लीजिएगा। एडमिट कार्ड 5 पेज में निकालेगा आपको, दूसरे पेज नंबर पे खाली है, कुछ नहीं है, टोटल आपको 4 पेज देगा। इसमें से दूसरे नंबर पेज पे, अब तीसरे नंबर पेज पे आपको एक पोस्ट कार्ड साइज का रहेगा। हम दिखा देते हैं कैसा रहेगा, जो बढ़िया समझ लीजिए। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड का एक प्रिंट निकल जाएगा, एडमिट कार्ड निकल जाएगा। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे खाली दिया है एडमिट कार्ड में, तीसरे नंबर पे देखिए पेज ऑफ 3, तीसरे नंबर पे आपको फोटो लगाना है, 4x6 का फोटो चिपका देना है यहाँ पे, बड़का सा पोस्ट कार्ड साइज, एकदम बड़ा सा 4x6 का आपको फोटो निकलवा के चिपका देना है। उसके बाद आपको ये वाला इंस्ट्रक्शन पेज, जिसमें बताया गया क्या चीज लेकर सेंटर पे पहुंचनी है, क्या नहीं पहुंचनी है, ये इंस्ट्रक्शन पेज आपको दोनों साइड प्रिंट करवा के ये जरूर निकलवाना है। उसके बाद आपको एक फोटो, तो बड़ा साकार लग ही जाएगा, बड़ा सा फोटो लग जाएगा। अब बड़ा फोटो लगने के बाद नीचे में देखिए एक और फोटो चिपकाना है, एक और फोटो चिपकाना है, छोटा सा एकदम पासपोर्ट साइज का, छोटा एक बड़ा पोस्ट कार्ड साइज, एक पासपोर्ट साइज। तो पोस्ट कार्ड साइज आपको फोटो ये 3 को लेके ले जाना है, ध्यान रखिएगा, एकदम पासपोर्ट साइज फोटो छोटका छोटका है जो 3 को लेके जाना है। एक यहाँ पे चिपकेगा, एक वहां चिपकेगा, एक लेगा। उसके बाद 4x6 का तो चिपकाना है, देख लीजिए। और ये कौन सा फोटो लगेगा, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में भरते समय नेम डेट वाला जो डाले थे ना, वही फोटो लगेगा, उसके अलावा कोई फोटो नहीं लगेगा। व्हाइट बैकग्राउंड वाला वही जो आपने लगाया था, उसी को, अगर आपका पास फोटो नहीं तो उसी फोटो से फोटो निकलवा लीजिए। उसके बाद एक प्रूफ चाहिए, एग्जाम देने जाइएगा तो सेंटर पे एक प्रूफ खोजेगा। प्रूफ में आप आधार कार्ड ले सकते हैं, प्रूफ में आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड नहीं है तो 10वां और 12वां यानी 10th 12th का आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले जाइए। 10th और 12th का प्रोविजनल सर्टिफिकेट जिस पर लिखा होता आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ, नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, ये वाला ले जाइए। क्योंकि आप मार्कशीट ले जाएंगे तो मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ शायद नहीं होता है, आपका 10th 12th का प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा उस पर। तो 10th का नहीं लेके जाना है, आप ऐसे 12th का ही ले जाइए, ज्यादा बेहतर। 10th का नहीं ले जाइए, 12th का ले जाइएगा। आधार कार्ड तो सबके पास है, आधार कार्ड में अगर नाम डेट गलत है तो 12th का अब ले जाएगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके चल जाएगा, दोनों लेके जाइएगा। उसके बाद आपको 50 ml सैनिटाइजर लेके जाना है, 50 ml एक सैनिटाइजर लेके जाना है, बाकी 50 ml वहां से आपको मिलेगा एक सैनिटाइजर अलग से स्पेशल। और कलम उलम नहीं लेके जाना, कलम वहां मिलेगा, ऐसे बैग में रख लीजिएगा कलम। एक जोड़ा ग्लव्स आपको, ग्लव्स हाथ में पहनने वाला जो ग्लव्स होता है, हाथ में पहनने वाला ग्लव्स होता है, ये जरूरी है। क्योंकि वहां पे आपको ग्लव्स खोजेगा, हाथ में पहनने वाला ग्लव्स, कि आखिर ग्लव्स लेकर क्यों नहीं आए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहां पे आप कोरोना COVID-19 है, छुइएगा जहां तहां, इसलिए ग्लव्स मांग रहा कि आप ग्लव्स लेकर के आइएगा साथ में, ऐसे वहां पे भी एक मिलेगा। उसके बाद आपको COVID-19 यानी अगर आप COVID-19 समझिएगा बढ़िया से, का वैक्सीन ले चुके हैं, COVID-19 का कोरोना का वैक्सीन अगर ले चुके हैं तो आप उसका एक सर्टिफिकेट निकलवा लीजिएगा। अगर नहीं लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी का 18 वर्ष नहीं हुआ तो उनका नहीं पड़ा होगा, 18 वर्ष जिनका हो गया उनको पड़ चुका है, तो COVID-19 का सर्टिफिकेट आप जरूर ले लेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। और आप हमेशा स्टूडेंटों से 3 से 4 फीट की दूरी बनाकर रखेंगे, ऐसे दिया गया कि 6 फीट दूरी रखें तो ज्यादा अच्छा है, 3 से 4 फीट का दूरी बनाए रखें। आपको एक कमरा में वहां पे एग्जाम सेंटर पे एक रूम में
टोटल 12 स्टूडेंट होंगे एग्जाम देने वाले, एक रूम में टोटल 12 स्टूडेंट ही रहेंगे एग्जाम देने वाले, एक रूम में एक बेंच पर एक स्टूडेंट, वो भी एक बेंच छोड़ करके, समझ में आ रही बात, टोटल 12 स्टूडेंट। तो ये सारी चीज नहीं भूलिएगा, बहुत ज्यादा चीज नहीं है, एडमिट कार्ड, तीन को पासपोर्ट साइज फोटो, एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो आपको एडमिट कार्ड पे चिपकाना है, एक आधार कार्ड प्रूफ में या 12th का सर्टिफिकेट है जिस पर डेट ऑफ बर्थ सही सही हो, नेम सही हो, अब 50 ml सैनिटाइजर लेना है, एक ग्लव्स लेके जाना है, समझ रहे हैं। अगर आपका कहीं दूर सेंटर गया है तो आज रात शाम में शनिवार को निकल जाइए, अगर नजदीक है तो कोई बात नहीं कल सुबह पहुंचेगा। हाँ, आपको 10 बजे तक सेंटर पे पहुंच जाना है, 10 बजे तक ध्यान रखिएगा कि 10 बजे तक आपको सेंटर पे एकदम कंफर्म पहुंच जाना है, क्योंकि 11 बजे से एंट्री स्टार्ट होगी। लड़कों का एंट्री जो दिया है 11:40 से दिया है और लड़कियों का एंट्री दिया है 12:20 से, और दोनों आपका 1:30 तक एंट्री होगा और 2 बजे से एग्जाम शुरू होगा 5 बजे तक, समझ रहे बात, 2 बजे से एग्जाम शुरू होगा। इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी एग्जाम दीजिए, हम दुआ करेंगे सबका एग्जाम अच्छा जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए।